झुंझुनू जिले में जेजेटी यूनिवर्सिटी में होगा भव्य कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का किया जाएगा सम्मान। पद्म विभूषण अशोक ध्यानचंद व क्रिकेटर युवराज सिंह भी होंगे कार्यक्रम में शामिल। झुंझुनू जेजेटी यूनिवर्सिटी में 19 अगस्त को भारत के 26 अखिल भारतीय खेल संघ के प्रतिनिधि MOU करेंगे। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का भी सम्मान किया जाएगा। समारोह के मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के पुत्र पद्म विभूषण ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अशोक ध्यानचंद होंगे। कार्यक्रम में क्रिकेटर युवराज सिंह भी बतौर अतिथि रहेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर जेजेटी में आवश्यक बैठक की गई, जिसमें प्रो प्रेसिडेंट डॉक्टर देवेंद्र सिंह दूल ने बताया कि कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए आयोजक समिति, भोजन एवं आवास समिति, समाचार और मीडिया में सीमित अनुशासन, सीमित स्वागत एवं अभिनंदन, सीमित हेल्प डेस्क आदि बनाई गई है तथा उन्होंने उनकी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन डॉक्टर विनोद टिबड़ेवाला करेंगे। समारोह में भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह, अर्जुन अवार्डी भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान प्रीतम ठाकरान, अर्जुन अवार्डी ममता खरब, अर्जुन अवार्डी कुश्ती ओलंपियन अशोक गर्ग, बैडमिंटन के रवि कुमार बलराज, पद्म भूषण डॉक्टर सरणजीत कौर, ताइक्वांडो की अरुणा, अर्जुन अवार्डी व भारतीय कबड्डी टीम की कैप्टन संजीव बालियान, अर्जुन अवार्डी व कबड्डी के एशियाई मेडलिस्ट राम मेहर सिंह, अर्जुन अवार्डी राकेश कुमार, अर्जुन अवार्डी मंजीत चिल्लर, ताइक्वांडो के सूर्य प्रताप राठी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी व प्रथम भारतीय ओलंपिक कुश्ती रेफरी प्रोफेसर RP गर्ग, प्रथम महिला ओलंपिक हॉकी रेफरी निर्मल डागर आदि सभी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम में देश के ख्याति प्राप्त गायक अपनी प्रस्तुति देंगे। डॉक्टर देवेंद्र सिंह ढूल ने बताया कि स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो का नारा देते हुए कार्यक्रम की सफलता का आह्वान किया। अंतर्राष्ट्रीय खेल समारोह का आयोजन होने जा रहा है, इससे यहाँ के इस प्रतियोगिता के अंदर बहुत सारे लोग आएंगे, कई फेडरेशन के साथ समझौते किए जाएंगे और कई उस खिलाड़ियों का भी सम्मान किया जाएगा। उन खिलाड़ियों के अंदर मेजर सम्मानित जो हैं, मेजर अशोक ध्यानचंद जी हैं, श्री भारतीय क्रिकेट युवराज सिंह हैं और उनके सहित अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी आएंगे। सर, जेजेटी यूनिवर्सिटी में कौन से ग्राउंड बन रहे, खेल मैदान बन रहे हैं? सर, जेजेटी यूनिवर्सिटी के अंदर हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, लॉन टेनिस, हर्डल, शूटिंग, इस तरीके के बहुत सारे खेल मैदान बनाए जा रहे हैं। जेजेटी विश्वविद्यालय की इस पावन धरा पर मैं आप सबका स्वागत करते हुए, मैं डॉक्टर देवेंद्र प्रो प्रेसिडेंट जेजेटी विश्वविद्यालय झुंझुनू। आज बड़े हर्ष का विषय है कि राजस्थान की इस पावन धरा के ऊपर जेजेटी विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ समारोह का यह आयोजन करने जा रहा है, जिसमें देश की 26 लीडिंग फेडरेशंस यहाँ उसमें अपना हिस्सा ले रही हैं और विश्वविद्यालय में सभी फेडरेशंस के साथ, सभी संघों के साथ भविष्य की सभी प्लानिंग के साथ में MOU फाइनलाइज करने जा रहा है। इस अवसर पर देश के विख्यात और देश के हॉकी के जादूगर के सपुत्र माननीय आदरणीय श्री अशोक ध्यानचंद जी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे पास यह शिरकत करेंगे। उसके साथ हमारे देश के आउटस्टैंडिंग 12 इंटरनेशनल पद्म भूषण अर्जुन अवार्डी खिलाड़ियाँ उस प्रोग्राम में शिरकत करने जा रहे हैं। जिन 26 संघों का हम आयोजन करने जा रहे हैं, उनका मकसद यहाँ पे देश में देश के तिरंगे तक खिलाड़ियों को वो सभी रास्ते तय करके उनको तिरंगे तक पहुँचाना है। विश्वविद्यालय JJT इसमें सबसे पहली पहल की है। ये पहला मौका है जब किसी विश्वविद्यालय के अंदर इतने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और इतनी संघ इकट्ठे किसी मुहिम पे इकट्ठे हो रहे हैं। मैं आप सबको इस समारोह पर अपना सादर निमंत्रण भी देता हूँ और इस निमंत्रण की सभी मौके के अंदर माननीय विश्वविद्यालय के शिक्षाविद, विश्वविद्यालय के विजनरी माननीय डॉक्टर विनोद जी खुद इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हैं, उन सब की तरफ से आप सबको जो लोग शुभकामनाओं के साथ के देश के तिरंगे तक पहुंचने के लिए सभी खिलाड़ियों को सब सुविधाएं विश्वविद्यालय JJT विश्वविद्यालय रोहतक के उस दौर तक वहां कर लेके जाएगा जहां मैंने अपना सफर शुरू किया था। तो इन सब शुभ शुभकामनाओं के साथ में आने वाले सभी खिलाड़ियों का यहाँ तहदिल से हम आभार प्रकट करें और उन्होंने जो देश को दिया, जिनकी वजह से देश के राष्ट्रपति ने उनको अर्जुन अवार्ड, पद्म भूषण, पद्मश्री तक सम्मानित किया, ये सभी खिलाड़ी हमारे विद्यार्थियों के लिए उस दिन आइडल बने, आदर्श के रूप में ये अपने बुजुर्गों को, अपने सीनियर खिलाड़ियों को पहचान पाए। इस प्यार और स्नेह की कड़ी के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह के बीच में इस काम आयोजन कर पाए, मैं एक बार पुणे विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आप सबको निमंत्रण और उज्ज्वल विषय की शुभकामनाओं के साथ आने वाले अंतर्राष्ट्रीय सत्र के इस दिवस के ऊपर
शुभकामनाएं और आपका सह हार्दिक के साथ निमंत्रण।